अब आते हैं सीटेट की वेबसाइट पे। पहले आप कौन सा सेक्शन सॉल्व करेंगे? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सिंपल कहूंगी कि भाई चुपचाप से जो एक ऑर्डर होता है पेपर का, या तो उसको फॉलो कर लो, या फिर जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि पहले आप सीडीपी कर लो, क्योंकि अगर आपका सीडीपी खराब है तो आपका पेपर वैसे भी पास नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी सच्चाई है सीटेट को लेकर के, कि अगर आप पेडागॉजी में इतने खराब हैं कि आप सीडीपी को देख के डर जाएंगे, दैट मींस आपका पेपर नहीं होगा पास फिर वैसे भी। तो चुपचाप से सीडीपी सॉल्व करो, सबसे पहले खत्म करो 30 के 30 क्वेश्चन, आपका दिमाग भी फ्रेश होता है उस टाइम पे, और इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी होते हैं, तो फ्रेश दिमाग से पहले यही करो, ठीक। फिर उसके बाद घबराना कुछ है नहीं, दो चार क्वेश्चन मुश्किल भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। बाकी देखो क्या होता है, कई बार एक सेक्शन ईजी होगा, दूसरा सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट दे देंगे, तीसरा सेक्शन फिर से ईजी आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हर सब्जेक्ट में पेडागॉजी है, पेडागॉजी आपको बचाएगी, ठीक है। ये एक बेसिक बात है। एडमिट कार्ड की सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी, जो जो लेके जाना है वहां पे लिखा हुआ है वो लेके जाना है, मेन मेन चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, ठीक। अगर हम बात करें सीडीपी की, तो सबसे पहले सीडीपी सॉल्व करिए, 30 से 30 नंबर निपटा दीजिए। देखो मिनट चल रही होंगी ऐसे, 150 से 120 मिनट होने से पहले पहले आपको ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कर लेने हैं सीडीपी के, ठीक। एक एक मिनट रिवर्स में जा रही है, तो 150 से 120 मिनट के बीच में आपको ये सीडीपी सेक्शन कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद के जो 120 मिनट बचे हैं, जैसे ही 90 से आने से पहले आपका दूसरा सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आप अपने दिमाग में ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 150 मिनट से 120 तक आपको एक सेक्शन करना है, ठीक। अब 120 से 90 मिनट तक, क्योंकि उल्टा चलेगा टाइम, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 120 मिनट से 90 मिनट तक दूसरा सेक्शन, फिर 90 मिनट से तो भाई फिर तो सिंपल है ना, तीन तीन सेक्शन आपके बच जाएंगे, 90 से 60 तक करेंगे दूसरा, 60 से 30 तक करेंगे तीसरा, और फिर बचेगा लास्ट, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि टाइम रिवर्स में चलने वाला है। अब सीडीपी करने के बाद आपको जाना चाहिए लैंग्वेज पे, लैंग्वेज वन भी और लैंग्वेज टू भी, बहुत स्कोरिंग होती है और पैसेज में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पैसेज पूरा पूरा आपके हर क्वेश्चन के साथ दिया होगा, ऐसा नहीं है जैसे ऑफलाइन में होता है आपको पूरा पेज पलट के देखना पड़ता है, वो आपके सामने ही होगा, उसके साथ हर एक क्वेश्चन होगा। पेडागॉजी के क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, कि पैसेज में दिमाग बाद में लगाएंगे, पहले 15-15 क्वेश्चन पेडागॉजी के कर लें, बट मेरे ख्याल में मैं ये चाहूंगी कि जिस सेक्शन में आप हैं वो पूरा का पूरा 30 के 30 निपटा दीजिए, चाहे वो मार्क फॉर रिव्यू करिए जिसमें डाउट है, बट उसको निपटा दीजिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, क्या पता तुक्का भी सही हो जाता है ना, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आप ईवीएस करिए, लास्ट में मैथ्स करिए, मैथ्स टाइम मांगता है, तो टाइम बचा लीजिए बाकी सब्जेक्ट से मैथ्स के लिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में भी मैथ्स में लगते हैं तो कई लोगों का आधा टाइम मैथ्स खा जाता है, ठीक है बात, तो इस बात को ध्यान में रखना है। आते हैं यहाँ पे फटाफट से, अगर सीटेट की वेबसाइट पे ये मॉक टेस्ट देखें, जो कि ऐसा ही आपका पेपर आने वाला है ना, अगर इसको बिगिन करेंगे यहां से, वहां से आपको हेल्प भी मिल जाएगी अगर किसी को ना समझ में आए पेपर में जाके। यहां से आपके पास ऑप्शन होगा व्यू इन इंग्लिश और हिंदी, वो हालांकि हर एक क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने इंग्लिश चूज कर ली और आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक, सारी कंडीशंस हमने फुल कर ली, ये आगे बढ़ते हैं। आपका टेस्ट हो जाएगा शुरू, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। अब दो तीन चीजें जो ध्यान में रखनी है, एक तो ये कि इंग्लिश में देखना है कि हिंदी में देखना है। ये लैंग्वेज वाला सेक्शन आया है आपके सामने, जिसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिख रही है कि लैंग्वेज टू इंग्लिश है और लैंग्वेज टू हिंदी है, तो अगर आपकी लैंग्वेज टू हिंदी है तब आप लैंग्वेज टू हिंदी के साथ जाएंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे दूसरे वाले सेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज वन वाले सेक्शन है, तीन सेक्शन है टोटल, एक में लैंग्वेज वन है दोनों, दूसरे में लैंग्वेज टू है दोनों, और तीसरा जो सबसे पहला सेक्शन है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और ईवीएस, ठीक। हर एक क्वेश्चन को आप यहाँ लैंग्वेज बदल के देख सकते हैं, ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा आप हिंदी में करके देख लीजिए। आप जैसे ही कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने अति सक्रियता चूज कर लिया और सेव एंड नेक्स्ट करती हूं, मैं हर एक क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। अब इस ग्रीन कलर मतलब आपने अटेम्प्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए मैं कंफ्यूज हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की वीडियो का। अगर मैं कंफ्यूज हूं मान लीजिए सेकंड में कि भाई थर्ड होगा कि फोर्थ होगा, तो मैं क्या करती हूँ कि यार मुझे लग रहा है थर्ड होगा, मैं थर्ड के साथ चली जाती हूँ और इसको क्या कर देती हूँ, मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। यहाँ एक ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू का, अगर आप देख पा रहे होंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर हो जाएगा पर्पल, ठीक। दैट मीन्स कि आपको डाउट है, बाद में टाइम मिला तो देख लेंगे अगर आंसर चेंज करना हुआ, अभी के लिए आपने डाउट में लगा दिया क्या सेकेंड ऑप्शन। अब मान लीजिए आपने 30 के 30 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, रेड वो आपको दिखेगा जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, 30 के 30 क्वेश्चन कर लिए और आपको सबमिट करना है, नेक्स्ट पे जाना है, आपको दिख जाएगा मान लीजिए आपने 5 पर्पल कलर के गोले दिख रहे हैं, मतलब 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने डाउट में थे जिनको लेकर के, बट आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिए। अब आप कहेंगे ठीक है पहले बाकी सेक्शन देख लेती हूँ तब आकर के देखूंगी इनको। मान लीजिए लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा, आप नहीं देख पाए, तो जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं
उनसे क्या होगा, वो अपने आप वही आंसर मान लेंगे जो आपने टिक किया था डाउट में, वो काउंट हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप इसको मार्क फॉर रिव्यू ना करके और सिर्फ जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आगे बढ़ जाऊं अगर मैं सेवन नेक्स्ट करके, तो क्या होगा उस केस में, कोई आंसर मार्क नहीं होगा, कोई भी आंसर मार्क नहीं हुआ, रेड हो गया, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन, तो वो प्रॉब्लम है। अटेम्प्ट तो हमें हर एक क्वेश्चन करना है ना, चाहे हम डाउट में मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, क्या नुकसान है, अगर आपने डाउट में लगा ही दिया आंसर तो कम से कम वो बाद में काउंट तो हो जाएगा। तो ये मार्क फॉर रिव्यू का जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां हम यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत रह जाते हैं, कई बार टाइम नहीं मिल पाता वापस आके देखने का। लेकिन सीटेट में आप इसका भरपूर यूज करेंगे, उसका रीजन ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है आपको। जितने ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जितने ज्यादा क्या, 150 के 150 अटेम्प्ट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी करना है। सबसे पहले CDP, फिर हिंदी इंग्लिश, उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट आपको करना है, क्योंकि स्कोर सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो इन तीन सब्जेक्ट में होता है, लैंग्वेज में और CDP में। बाल विकास तो हर हालत में होना ही होना है।